Hello everyone, I am Mansi Sharma on my YouTube channel Mansi Sharma. I am from MGM Medical College Indore. Today in this video we will talk about coronary artery disease, which is also called as CAD or the ischemic heart disease. Coronary artery disease, naam se hi samajh mein aa raha hai ki coronary artery mein kuch disease hai, koi problem hai. Coronary artery hume pata hai, artery hoti hai jo ki heart ke मसल्स को यानी हार्ट की मायोकार्डियम को सप्लाई करती है. इसको हम लोग इस्केमिक हार्ट डिसीज भी बोलते हैं. कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्यों होती है? इट इज कॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इन द कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एथेरोस्क्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरी में क्या हो गया है, फाइब्रोफैटी प्लग का डिपोजिशन हो गया है. हम पढ़ रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाता है, फाइब्रोफैटी प्लग का डिपोजिशन हो जाता है, फाइब्रोफैटी प्लग का. तो इसमें क्या हो जाएगा, उसके कारण आर्टेरियल वॉल्स जो है वो हार्डन हो जाएगी, ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड हो जाएगा. इस्केमिया का मतलब भी क्या होता है, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो. रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो के कारण क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है. ड्यू टू द प्लैक फॉर्मेशन विच हैज कैल्शियम एंड फैटी डिपॉजिट्स एंड एबनॉर्मल इन्फ्लेमेटरी सेल्स. जो प्लैक फॉर्म हुआ है उसमें क्या क्या रहेगा, कैल्शियम रहेगा, फैटी डिपॉजिट्स रहेंगे और एबनॉर्मल इन्फ्लेमेटरी सेल्स रहेंगे, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन भी आ जाएगी आर्टरीज में. फिर अगर हम बात करेंगे अबाउट द रिस्क फैक्टर्स फॉर द कोरोनरी आर्टरी डिसीज, की कोरोनरी आर्टरी डिसीज की होने की चांसेस किन लोगों में ज्यादा है, कौन लोग ज्यादा प्रॉन है कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने के, तो उसके ये सारे फैक्टर्स है कि किन किन को कैड हो सकता है. एज और सेक्स की बात करते हैं, मैन में 60 इयर्स और वुमेन में 65 इयर्स वाले लोग जो है ज्यादा प्रॉन होते हैं टू द कोरोनरी आर्टरी डिसीज. अगर किसी इंसान की फैमिली हिस्ट्री में सबको ही कोरोनरी आर्टरी में कुछ इश्यूज है तो उनके साथ भी कैड हो सकता है. स्मोकिंग करते हैं तो उसके कारण आर्टरीज में क्या हो जाता है, जनरली जो है वीकनिंग हो जाती है, मसल्स कमजोर हो जाती है, आर्टीरियल वॉल्स डैमेज हो जाती है. फिर अगर बात करते हैं ओबेसिटी की फैट लोगों में, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है. ऐसे लोग जो कि ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें सैचुरेटेड फूड बहुत ज्यादा होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं, विद डाइट रिच इन सैचुरेटेड फैट एंड लो इन एंटीऑक्सीडेंट्स, उन लोगों को भी हो सकता है. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं सेल के डैमेज को ड्यू टू द फ्री रेडिकल्स, वो सेल डैमेज को बचाते हैं. लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री वर्कर्स विथ लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऐसे लोग जो कि बैठे बैठे काम करते हैं, ज्यादा काम नहीं उनका, घूमने फिरने का ज्यादा नहीं होता है, एक्सरसाइज कम करते हैं, उनमें भी कोरोनरी आर्टरी होने डिसीज होने की चांसेस ज्यादा होती हैं. ऐसे लोग जिनमें डिसीजेस हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या फिर हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, उनको भी चांसेस ज्यादा है कि उनको कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है.